हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के मास्टर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, आपसे वही क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे जो क्वेश्चन बेल्ट्रॉन के विगत वर्षों या फिर पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएँ जिसकी अधिकतर होती हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 101 आप देख रहे हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क वैन ऑलवेज रिक्वायर, वैन क्या रिक्वायर करता है? तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो रिक्वायर करता है हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सोर्स लिंक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस होंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 102 पे, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? टाइपिकल बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टाइपिकल बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। तो बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, ना कि गीगाहर्ट्ज़ में होता है, किलोहर्ट्ज़ में होता है, ना ही हर्ट्ज़ में होता है। तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही पटक दिया गया है जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ, सेम ऑप्शन भी वही है, सेम क्वेश्चन भी वही है। अगर नन ऑफ दीज सही है तो नन ऑफ दीज सही है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाते हैं। 103 क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी इफिशियंटली कनेक्टेड बाई। जो लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं, वाइडली ज्योग्राफिकल एरिया को इफिशियंटली कनेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा 5, यानी कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट के द्वारा। कम्युनिकेशन SATELLITES, कम्युनिकेशन सेटेलाइट के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज नॉट ब्रॉडकास्ट टाइप। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर नंबर 2, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, न ही स्टार टोपोलॉजी, न ही रिंग टोपोलॉजी, कोई टोपोलॉजी नहीं है इसमें। ठीक है, बग का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। बग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है बग का क्या मतलब होता है। तो बग एक लॉजिकल एरर होता है प्रोग्राम के अंदर। बग क्या होता है? एक एरर होता है। किस तरीके का एरर होता है? लॉजिकल एरर होता है प्रोग्राम के अंदर, उसको बग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ने से भी लग रहे होंगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, द पार्ट ऑफ मशीन, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वाज टू बी डन इज। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑपरेंड, OPERAND, ऑपरेंड। ठीक है, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वाज द टू बी डन इज, ऑपरेंड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर 4GL। ठीक है, इनमें से कौन सा 4GL के लिए ट्रू नहीं है? तो 107 का आंसर कीजिएगा। तो 107 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 4GL डज नॉट सपोर्ट हाई लेवल ऑफ स्क्रीन इंटरसेक्शन। ये एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाते हैं। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सॉफ्टवेयर के टर्म्स में? आप देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सॉफ्टवेयर को। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि पहला और दूसरा बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी, सिस्टम प्रोग्राम भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 वन एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो थर्ड है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरप्रिटर। इनमें से कौन सा इंटरप्रिटर के लिए सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि इंटरप्रिटर एनालिसिस ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड, ये सही नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाते हैं। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड बाय द कंप्लायर आर। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर नंबर 4, यानी कि सिंटैक्स एरर, SYNTAX, सिंटैक्स एरर्स।
ठीक है। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाई द कंप्लायर इज नोन एज सिंटैक्स एरर। फिर है सी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर दीजिएगा। सी क्या होता है, तो सी थर्ड जनरेशन का हाई लेवल लैंग्वेज है। थ्री जो सी होता है वो थर्ड जनरेशन का हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 है, द ग्राफ प्रिपेयर्ड बाई कंप्यूटर इज, द ग्राफ प्रिपेयर्ड बाई अ कंप्यूटर, द ग्राफ प्रिपेयर्ड बाई अ कंप्यूटर इज, तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा आपका पांचवा, यानी कि अ ग्राफ प्रिपेयर्ड बाई कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज, इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इनपुट स्लैस आउटपुट डिवाइड, इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइड रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर या बीबी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ALU होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU ना ही इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CPU मेमोरी एंड पेरीफेरल इज कॉल्ड, जो कम्युनिकेशन लाइन होता है CPU मेमोरी और पेरीफेरल को, उसको क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा फोर, यानी कि बस। जो कम्युनिकेशन लाइन होता है CPU मेमोरी और पेरीफेरल का, उसको बस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली मेमोरी आर कार्ड, मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा वन, यानी कि रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का एग्जांपल पूछा है 117 में, तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा का एग्जांपल हो जाता है एम्प्लॉई का एड्रेस, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का एग्जांपल हो जाता है एम्प्लॉई एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 1000 बाइट ऑपरेसेंटा, 118 का आंसर क्या हो जाएगा पाँचवा, किलो बाइट वो हो जाएगा KB, यानी कि कुल मिला जुला के 1000 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, ये तो कितनी बार बेल्ट्रॉन के एग्जाम में आ गया, कोई लिमिट नहीं है, हर पेपर में ही हर सेट में ही ये क्वेश्चन मिल रहा था। द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 120, अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, वो स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। जो स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम CPU रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड, तो भैया जी ध्यान दीजिएगा वो क्या चीज़ है जो होल्ड करता है रोम को CPU को रैम को और एक्सपेंशन कार्ड को, तो वो हमारे CPU के अंदर होता है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड ही है जो सब कुछ होल्ड करके रखता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 122 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाई अ कंप्लायर, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाई अ कंप्लायर इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं, वो एरर जिसको पॉइंटेड किया जा सकता है कंप्लायर के द्वारा उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, एक कंप्यूटर का बूट नहीं किया सकता इफ डज नॉट हैव, यदि उसके पास क्या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर 5 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ इज डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको बूट नहीं किया सकता। वैन हार्डवेयर क्या इंक्लूड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि मल्टीप्लेक्सर एंड राउटर, वैन हार्डवेयर इंक्लूड करता है मल्टीप्लेक्सर एंड राउटर। क्वेश्चन नंबर 125, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर द कंप्यूटर टू बी बुलेट एरर डिटेक्शन डिवाइस नहीं,
वैक्यूम ट्यूब नहीं, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में है, न्यूट्रल नेटवर्क नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, 126 क्या होता है, विंचेस्टर डिक्स इज अ, जो विंचेस्टर डिक्स होता है, विंचेस्टर डिक्स क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा पांचवा, जो विंचेस्टर डिक्स होता है वो होता है डिस्क स्टैक, स्टैक गुरु जी वाला डिस्क स्टैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाते हैं, 127 क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी चूज द मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी चूज द मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन को चूज करना है, तो 127 का आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, एसेस एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा यूजिंग अ सेट ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, एब्सेक्ट एंड प्रोसेस डाटा यूजिंग अ सेट ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। 128 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाते हैं, कंप्यूटर फॉलो अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल गीगो मींस, तो ये फुल फॉर्म तो बहुत बार मैंने आपसे करा दिया है, गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाते हैं, द टर्म बॉड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, 130 को स्टार लगा लीजिएगा, द टर्म बॉड इज मेजर्ड ऑफ द, तो जो बॉड टर्म होता है उसको मेजर्ड किया जाता है, 130 का आंसर नंबर सेकंड, स्पीड एट विच डाटा ट्रेवल्स ओवर द कम्युनिकेशन लाइन, स्पीड एट विच डाटा ट्रेवल्स ओवर द कम्युनिकेशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 131, डाटा स्ट्रैप क्या होता है, डाटा स्ट्रैप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 131 डाटा स्ट्रैप क्या होता है, तो डाटा स्ट्रैप का आंसर हो जाएगा फोर, डाटा स्ट्रैप एक स्मॉल इंस्टॉलेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर, अ स्मॉल इंस्टॉलेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 132 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, तो 132 का आंसर हो जाएगा थर्ड, असेंबलर, ए डबल एस ई एम बी एल ई आर, यानी कि असेंबलर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ हार्डवेयर, असेंबलर इज नॉट अ हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, पिक ऑफ द रॉन्ग डेफिनेशन, रॉन्ग डेफिनेशन को पिक करना है, तो 133 में जो रॉन्ग डेफिनेशन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, ये पहला EDP एक्रोमन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बिल्कुल सही है, कोबॉल इज अ लैंग्वेज यूज फॉर बिजनिंग डाटा प्रोसेसिंग बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल सही है, थर्ड भी सही है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ, एसेस टाइम टू टाइम नीड, ये ऑप्शन इनका सही है, यानी कि ये रॉन्ग डेफिनेशन है, ठीक है, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इज अ, तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इज अ पॉइंट एट विच, टर्मिनल इज अ पॉइंट एट विच डाटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर, टर्मिनल इज अ पॉइंट एट विच डाटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 135, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवोल्यूटेड ऑटोमेटिकली बाई, जो MCQ एग्जाम होता है, जो MCQ पेपर का एग्जाम होता है उसमें आंसर शीट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है किसके द्वारा, तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो पेपर चेक होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर्स की हेल्प से, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट द प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज क्विक एसेस, तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा फोर, डायरेक्ट एसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट, डायरेक्ट एसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 138, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरिंग, तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट, यानी कि स्टोरिंग, STORING,
एक बार रिपीट कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज। यदि मैं किसी डाटा को प्रोसेस करता हूँ, रिटेन करता हूँ फ्यूचर यूज के लिए, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो उसको कहा जाता है स्टोरिंग। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन क्या है, अ फाइल इज करेक्टेड इमिडिएटली आफ्टर द इनपुट और ट्रांजेक्शन। ये एग्जाम्पल होता है ऑनलाइन अपडेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ऑनलाइन अपडेटिंग। अ फाइल इज करेक्टेड इमिडिएटली आफ्टर इनपुट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये एग्जाम्पल होता है ऑनलाइन अपडेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, मैग्नेटिक टेप इज आर गुड स्टोरेज मीडिया फॉर, मैग्नेटिक टेप आर गुड स्टोरेज मीडिया फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा पांचवा, यानी कि जो मैग्नेटिक टेप होता है गुड स्टोरेज मीडिया होता है बैकअप के लिए एंड हाई वॉल्यूम डाटा, इज गुड स्टोरेज मीडिया फॉर बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड है। तो 141 का आंसर नंबर 4, यानी कि EBDIC, ये एक कंप्यूटर कोड है। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डाटा इज जनरली कोडेड इन 8-bit यूनिट्स, सच अ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड, Data is generally coded in 8-bit units, such unit is also called. तो 142 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हो जाएगा बाइट्स, BYT। क्वेश्चन नंबर 143, हाफ एडर इज अ लॉजिकल सेकिटी दैट एड्स डैश डिजिटल एट द टाइम। तो हाफ एडर क्या होता है, 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि टू। हाफ एडर इज लॉजिकल एसकेटी दैट एड्स टू डिजिट एट द टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर कीजिएगा, फर्स्ट कंप्लीमेंट अ नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर नंबर इज नोन एज, इन अ फर्स्ट कंप्लीमेंट अ नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर नंबर, उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा 4, उसको कहा जाता है MINUE मन्यून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, इन अ सेकेंड कम्प्लीमेंट अ नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर नंबर विच इज नोन एज, तो उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट, यानी कि सब ट्रेंडेड। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है, इन अ सेकेंड कम्प्लीमेंट अ नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर नंबर, तो उसको क्या कहा जाता है। यदि नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 149 का सेकेंड यू हो जाएगा MINUEND। ठीक है, 149 हो गया, अब नेक्स्ट है 150। वेट, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।